इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में एलियम सिपा एक ऐसा नाम है, रेड ओनियन, लाल प्याज या प्याज, हर जगह ये भारतवर्ष में पाया जाता है और इस औषधि की खेती भी होती है। इसका नाक और आंख की झिल्लियों पर विशेष प्रभाव होता है और यह औषधि सर्दी में खास करके और खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रभाव जलनकारी, जलन के साथ जहाँ सर्दी होती है उसमें विशेष तौर पर होता है, विशेष रूप में किया जाता है। हम लोग इस प्याज का इस्तेमाल घर में सब्जी बनाने में करते हैं, सलाद बनाने में करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है जो नाक और आंख के श्लेष्मा झिल्लियों पर विशेष प्रभाव डालती है। और यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पांचवी औषधि है, पांचवी औषधि। इसका एंटी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम लोग क्या करते हैं, औषधि का निर्माण करके लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इस्तेमाल करने के लिए यह पांचवें नंबर की औषधि है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही नहीं, होम्योपैथ में भी इसको एलियम सिपा के नाम से जानते हैं और होम्योपैथिक दवा भी इससे मिलती बनाई जाती है और उसका भी इस्तेमाल इसी रूप में किया जाता है। तो आप एलियम सिपा का इस्तेमाल, अगर आपको सर्दी हो या आँख में किसी प्रकार की समस्या है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको आशातीत लाभ मिलेगा और सलाद में इसका अगर इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक ठाक रहता है। हम लोग अगले छठे नंबर की औषधि पर भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यही एलियम सिपा का मुख्य बात है जो आपको समझना जरूरी था।